नमस्कार एस्ट्रो इंसाइट्स विद रिचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रिचा शुक्ला। नक्षत्रों की श्रृंखला में आज बात होगी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के विषय में। ये नक्षत्र भी सिंह राशि में ही विराजमान होता है। इसका जो फैलाव है, जो विस्तार है, वो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक सिंह राशि में होता है। इसका मतलब कि यदि आप सिंह राशि में पैदा हैं और आपके चंद्रमा की जो डिग्रीज हैं वो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तो आप पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति हैं। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं और जो देव होते हैं वो भग होते हैं। भग जो है वो ऐश्वर्य और संपत्ति के देव हैं। इनकी आपको आराधना करनी चाहिए। इसका सिंबल क्या होता है, तारा समूह कैसा दिखाई देता है आकाश में? कुछ इस तरह दिखाई देता है जैसे कि एक झूलता हुआ पलंग हो, या फिर पलंग का जो आगे दो पाए जो होते, अग्रिम जो भाग होता है, उस तरह का कुछ इसका सिंबल दिखाई देता है। झूलता हुआ पलंग या बिस्तर ज्यादा सटीक इसका सिंबल मैं मानती हूं। किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी हो सकती हैं, लक्षण हो सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस हो सकती हैं, चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले पूर्वा फाल्गुनी वाले नक्षत्र के जन्मे लोगों के लिए कहूंगी कि आप फुल ऑफ लाइफ होते हैं। आपके पास जीवन के लिए एक अलग ही उत्साह होता है या उत्साह से भरे हुए होते हैं। यूथफुल हैं, जॉयफुल हैं, मतलब जिंदा दिल हैं, खुश रहते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी सुख खुश रखते हैं। हमेशा ही कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपकी चाहत बनी रहती है। कुछ नई सर्च हो, कुछ नया प्लेजर हो, नया आनंद हो, इसकी खोज आपके अंदर बनी रहती है। नए नए एक्सपीरियंसेस करना, ये भी आपका स्वभाव होता है। और आपकी ताकत जो सबसे बड़ी है वो है टू क्रिएट, मतलब आप कुछ भी संपादित कर सकते हैं, बना सकते हैं, फिर चाहे वो म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, यहां तक कि बच्चों को जन्म देना भी इस नक्षत्र वालों को बहुत पसंद होता है। मतलब क्रिएटिविटी है ना, तो वो भी आप के अंदर होता है। और तभी कई बार मैंने देखा है कि पूर्वा फाल्गुनी वाले नक्षत्र वाले जो व्यक्ति होते हैं वो शारीरिक सुखों पर बहुत ध्यान देते हैं या उसमें भी बहुत एक्सपेरिमेंट करने के शौकीन होते हैं। तो कुछ क्रिएट करना जो है वो आपकी बेसिक ताकत हो सकती है। आप बहुत म्यूजिकल हैं, आर्टिस्टिक हैं, मतलब संगीत के प्रेमी हैं, संगीत को बनाने वाले भी हैं और आर्टिस्ट हैं या कला को पसंद करने वाले हैं। फाइन आर्ट्स में आपका बहुत इंटरेस्ट होता है। कई बार मैंने देखा है कि ऐसे लोग, आप पुरानी चीजों का संग्रह करना भी आपकी आदत होती, जिसको आप एंटीक कहते हैं ना, एंटीक सुंदरता के सामानों को, सजावट के सामानों को एकत्रित करना, उनको अपने घर में सजाना या उसका ही व्यवसाय कर लेना, ये भी आपका शौक हो सकता है। आप जनरली धनी बन जाते हैं और धनी के साथ साथ दानी भी होते हैं। आपके पास अगर धन है तो आप दान करने से नहीं हिचकते। आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, रीगल है, मतलब शाही, राजसी, सुंदर पर्सनालिटी के आप धनी होते हैं। लोग आपकी तरफ बिना बात ही आकृष्ट होते हैं, आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। पर कई बार आप लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं और लोगों की मदद करते हैं, लेकिन कई बार उनसे थोड़ा सा फायदा उठाने की भी आपकी इच्छा हो सकती है। आप बहुत एलिगेंट हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, स्पोर्ट्समैन भी मैंने देखा है कि कई बार बहुत स्पोर्ट्समैनशिप भी आपके अंदर अच्छी होती है। मतलब नई चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो चाहे फिर वो किसी भी तरह करना हो, ट्रैकिंग हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकता है, बहुत सारे शौक आपके हो सकते हैं। सोशलाइजिंग फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, नए नए ग्रुप्स के साथ सोशलाइजिंग करना
ये भी आपको बहुत पसंद होता है। आपके लिए ज्यादातर जगह आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि पूर्वा फाल्गुनी वाले नक्षत्र की जब विवरण होता है या उसके बारे में एनालिसिस होती है तो ये कहा जाता है कि ऐसे लोग फिजिकल प्लेजर में बहुत इंडल्ज करते हैं, शारीरिक सुखों में बहुत इंडल्ज करते हैं, और मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं सच भी है। पर अगर आप इस चीज में बहुत ज्यादा अपनी ऊर्जा का व्यय करते हैं और केवल इसी में बस नए नए प्रयोग करना चाहते हैं तो आपका जीवन कई बार उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा जितना आपने सोचा होगा। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस एस्पेक्ट से हटकर अपनी क्रिएटिविटी को जो है वो फाइन आर्ट्स की तरफ ले जाएं तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। आपका जो ये व्यवहार है ना, हर वक्त कुछ नया करने की चाह, नए एक्सपीरियंसेस की चाह, ये आपके क्लोज जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको कष्ट भी पहुंचा सकती है और कई बार आपके आपसी संबंध पति पत्नी के इस वजह से खराब भी हो जाते हैं। अगर आप इन चीजों में बहुत इंडल्ज करेंगे तो आप लेजी, आलसी हो जाएंगे और अनमोटिवेटेड होंगे, क्योंकि फिर आप केवल एक तरफ सोचेंगे। अगर आपकी जन्म पत्रिका में भी इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशंस हैं कि जहां पर फिजिकल प्लेजर्स में आप बहुत इंडल्ज करते हैं ऐसा दिखाई देता है तो फिर आपका जीवन जो है वो उतना आगे नहीं जा पाएगा। बहुत जरूरी है कि आपको अपनी इस इच्छा पर एक लगाम लगाने की जरूरत होती है और उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने इंटरेस्ट नए नए डेवलप करें, आप आउटडोर एक्टिविटीज करें, आप क्रिएटिव हो जाएं, तो आपका जीवन एक बैलेंस और बहुत आगे और ऊपर तक जा सकता है। कई बार आप ये भी मानने लगते हैं कि आप और लोगों से बेहतर हैं, बिना बात ही। ये ठीक है कि आप ज्ञानी होते हैं, आप नॉलेजेबल हैं और आप काफी स्ट्रीट स्मार्ट भी हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप सबसे बेहतर हो, लेकिन ये आप इस तरह का थोड़ा सा आपके अंदर स्वभाव धीरे धीरे करके आने लगता है। कई बार मैंने देखा कि पूर्वा फाल्गुनी वाले लोग बहुत ग्रेट अचीवर्स होते हैं, खास करके कला के क्षेत्र में। कला का क्षेत्र जो है वो आपको डिजी हाइट्स, ऊंचाइयों तक ले जाने वाला बन जाता है। किस तरह के कार्य आप कर सकते हैं? सबसे पहले कला का क्षेत्र आपके लिए सबसे अच्छा है। एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, पेंटर हो, म्यूजिशियंस हो, तबला बजाना हो, कुछ भी हो, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, इससे रिलेटेड काम आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, टीचर, प्रोफेसर, काउंसलर, इवेंट मैनेजमेंट का फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। खास करके वेडिंग प्लानर्स अगर आप बनते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड काम भी आपको बहुत सूट करते हैं। आप बहुत अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन भी हो सकते हैं और आप बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट या सर्जन इन गायनिक भी हो सकते हैं। महिलाओं से के जो रोग हैं उनके भी आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। म्यूजियम बनाना या म्यूजियम को की देखभाल करना भी आपका काम हो सकता है। ग्लास के आर्टिकल्स जो होते हैं उसमें भी आप डील कर सकते हैं। क्रिस्टल वगैरह के जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं इसमें भी अगर आप डील करते हैं तो आप काफी अच्छे जा सकते हैं। आर्ट गैलरीज वगैरह के ओनर हो सकते हैं, मैंने कहा ना, या कलाकार या कला के प्रशंसक, तो आर्ट गैलरी वगैरह के भी आप ओनर हो सकते हैं। एंटीक फर्नीचर वगैरह में भी आप डील कर सकते हैं। आपके लिए काफी सारे काम इस तरह के हैं। जहां तक रोगों की बात है, वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो प्रजनन इंद्रियां हैं, उनमें कष्ट हो सकता है, उनमें रोग हो सकता है। पेट से लेकर और थाइस तक का जो पोर्शन है उसमें आपको कुछ रोग हो सकते हैं, एलर्जीज हो सकती हैं, और आपको आंखों या सर या यहां से और यहां तक का जो हिस्सा है उसमें भी आपको तकलीफ हो सकती है। कई बार आपके जीवन में एक या दो सर्जरीज, ऑपरेशंस अवश्य हो जाते हैं।
इसी तरह के लोग कई बार कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए भी जाते हैं खुद को और सुंदर बनाने के लिए। अगर आप महिला हैं और मघा पूर्वा फाल्गुनी की हैं तो आप बहुत ही एलिगेंट हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, आपका टेस्ट बहुत रिच है और बातचीत करने में माहिर हैं, बहुत खूबसूरत हैं और आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छी होती है, तो आप ब्यूटी पार्लर है या फिर किसी को सजाने का काम है, इस तरह के काम आप बहुत अच्छे कर सकती हैं, डॉक्टर भी आप बहुत सक्सेसफुल हो सकती हैं। अब बात होगी कि जो चार पद हैं वो किस तरह से आपके नेचर में फर्क ला सकते हैं। तो अगर आप पूर्वा फाल्गुनी के पहले पद में जन्म लिया है आपने, ये आपको अपनी कुंडली से पता चल जाता है देखकर, तो आप एम्बिशियस हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, आपकी प्रेजेंस शाही है, शानदार है, बहुत इंप्रेसिव पर्सनालिटी के धनी होते हैं और अपनी एम्बिशन को जरूर पूरा करते हैं। दूसरे पद में अगर आपने जन्म लिया है तो आपके पास एक कामिंग एनर्जी, मतलब शांत करने की एक खास एनर्जी होती है। अगर कोई परेशान व्यक्ति है और आपके पास आया तो आप उसको कोई सॉल्यूशन देते हैं, शांत कर देते हैं, और दूसरों की मदद करना आप बहुत पसंद करते हैं। अगर आप तीसरे पद में जन्म लिया है तो आप कंपैशनेट हैं, मतलब दूसरों के लिए आप दया का भाव रखते हैं, करुणा रखते हैं, और काउंसलर बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी पीक पर होती है, आप बहुत क्रिएटिव व्यक्ति होते हैं। चौथे पद में जन्मे जो लोग हैं वो आप सबसे खास पूर्वा फाल्गुनी के होते हैं, चतुर्थ पद के लोग, ये समाज के लिए बड़े कार्य करते हैं और अपना सब कुछ त्याग कर सकते हैं सामाजिक कार्यों के लिए। तो ये थी मेरी एनालिसिस पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर। मित्रों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो उसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। थैंक यू सो मच।